दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के टूल्स, ईएमएमसी टूल या केबल्स परचेज करना चाहते हैं तो विजिट करें हमारे वेबसाइट mmitgsmtool.com पे। दोस्तों, ये बिल्कुल ही ट्रस्टेड वेबसाइट है। इसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें नए नए प्रोडक्ट्स डेली ऐड हो रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टूल्स परचेज करने में तो जरूर विजिट करें हमारे वेबसाइट mmitgsmtool.com पे। दोस्तों, हमेशा हमारा यही कोशिश रहेगा कि आपको हम बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मास्टर मेमोरी टीवी में। दोस्तों, हमने एक नया एपिसोड स्टार्ट किया है जिसका नाम है मोबाइल सॉफ्टवेयर टॉक्स। दोस्तों, ये वीडियोस आपको हफ्ते में 3 दिन प्रोवाइड होगी, मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे को। दोस्तों, इसमें हम हर एक सॉफ्टवेयर के टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जैसे लाइक कॉम्बिनेशन फाइल क्या होता है, बाइनरी मतलब क्या होता है, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे क्यूसेंट फाइल क्या होती है, कभी यूज़ होती है, ये सब चीज़ों के बारे में हम हर एपिसोड में कोई ना कोई नए नए टॉपिक पे हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। दोस्तों, ये हम जो एपिसोड बना रहे हैं हम उन भाइयों लोग के लिए बनाए हैं जो सॉफ्टवेयर का काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। उन सभी भाइयों लोग को मदद हो सके, इसलिए हम ये एपिसोड बनाए हैं। दोस्तों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। व्हाट इज यूजर डेटा? इट इज नेसेसरी टू फ्लैश यूजर डेटा। देखिए, यूजर डेटा के अंतर्गत आपके वो सारे लॉक आते हैं जिसे हम पैटर्न, पिन, फेस, गेस्चर, फ्रंट स्क्रीन, इन सारे लॉकों का नाम लेते हूँ मैं। ये सारे लॉक यूजर डेटा के अंतर्गत कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। इसके अलावा आपके जो एप्लीकेशंस हैं, इंटरनल जो मीडिया है डिवाइस का, वो यूजर डेटा के अंतर्गत आता है। यही वजह है कि कभी कभी यूजर डेटा फॉर्मेटिंग में एरर आने के कारण हमारा फोन लोगों पर स्टक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यूजर डेटा को रिवोक करने की जरूरत पड़ती है, यानी आपको फ्लैशिंग में यूजर डेटा भी लेना पड़ता है। यूजर डेटा की जो साइज होती है वो अकॉर्डिंग टू आपके चिपसेट या ब्रांड या मॉडल के हिसाब से ये वेरी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। सो, अगर यूजर डेटा नए सिरे से राइट हुआ तो आपका फ़ोन का जो यूजर स्टेटस है वो फिर से रिवोक हो जाता है, जिसमें आपका जो गेस्चर लॉक है, फेस लॉक है, पैटर्न लॉक है, पिन लॉक है, ये सारी चीज़ें वाइप आउट हो जाती हैं। इवन समटाइम्स गूगल लॉक भी रिमूव हो जाता है जो आपके कॉन्फ़िग सेटिंग के अंतर्गत यूजर डेटा सेटिंग में लिखा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यूजर डेटा हमारे फ़ोन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर यूजर डेटा फॉर्मेटिंग में किसी तरह की एरर आ जाती है तो फ़ोन ब्रिक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसकी रिपेयरिंग के लिए आपको उसमें फुल फ्लैश करने की ज़रूरत पड़ती है। कंप्लीट फ्लैशिंग में आपका यूजर डेटा भी लिया जाना जरूरी होता है, ताकि आपका मीडिया जो ड्राइव है वो क्रिएट की जा सके और उसको उस यूजर डेटा फॉर्मेट के हिसाब से फॉर्मेट किया जा सके। सीडीसी ड्राइवर क्या है? व्हाट इज सीडीसी ड्राइवर?